सपने एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, मगर वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। दोस्त, क्या आपको पता है हम अपनी जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ 21 दिन में बदल सकते हैं, वो भी खुद से अच्छे सवाल करके। लेकिन क्या आपको पता है हमारी जिंदगी हर दिन खराब क्यों होती जा रही है? क्योंकि हम हर समय अपने आप से बेकार सवाल करते आ रहे हैं, वो भी ऐसे सवाल जिनका हमें कोई मतलब ही नहीं, जिनका जवाब हमेशा घटिया होता है। जैसे मुझे पढ़ने में मन नहीं लग रहा, क्या फायदा है शुरुआत करके, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अगर मैं कुछ शुरू करता हूँ तो क्या लोग मुझे पसंद करेंगे या फिर मेरा मजाक उड़ाएंगे, और इन्हीं फालतू बातों को सोच सोच कर हम अपना हर दिन रोज बर्बाद करते हैं। मेरे दोस्त, आपके अंदर कितना भी टैलेंट हो कुछ करने का, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। टिम नोटके कहते हैं, मेहनत टैलेंट को पीछे छोड़ देती है जब टैलेंट मेहनत नहीं करता। इस लाइन को ध्यान से समझिएगा। एक इंसान जिसमें बहुत टैलेंट है, एक जिसमें कोई टैलेंट नहीं है, पर वो मेहनत बहुत करता है, वो कम टैलेंट में भी अपनी मेहनत से उस इंसान से आगे निकल जाएगा जिसमें बहुत टैलेंट है। अगर आप चाहते हो आपकी जिंदगी में बदलाव आए तो सिर्फ टैलेंट के भरोसे मत बैठो, हार्डवर्क करना स्टार्ट करो। हमें मानता हूँ स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन 21 दिन तक खुद को स्ट्रांग बना लिया मेहनत करके तो आप कुछ भी हासिल कर सकते। नंबर 2, इम्प्रूव 1% एवरी डे। अगर आप हर दिन अपने आप को 1% बेटर बनाते हो अगले एक साल तक, तो एक साल बाद अपने आप को 37 टाइम्स इम्प्रूव कर सकते हो। और दूसरी ओर अगर आप हर दिन खुद को गिराते रहे तो ऑलमोस्ट जीरो पे आ जाओगे। और आजकल मोस्टली स्टूडेंट इन एक्टिविटी में पढ़ के खुद को डेली 1% गिराते आ रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि आप इम्प्रूवमेंट करें तो आज से 21 दिन तक खुद को इम्प्रूव करें, क्योंकि 21 दिन बाद आप में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और वे इम्प्रूवमेंट आपकी आदत बन जाएगी, और आपकी आदत ही आपकी जिंदगी बदलती है। नंबर 3, फोकस योर ब्रेन। दोस्त, फोकस कैसे करना है ये जानने से पहले वैज्ञानिक रूप से समझना होगा कि हमारा ब्रेन काम कैसे करता है। दोस्त, फोकस का मतलब है एक समय में केवल एक विचार, एक लक्ष्य या किसी एक काम में अपने पूरे ध्यान को केंद्रित करना और अपनी ऊर्जा को उस काम में लगा देना। जैसा कि आपको पता है एक इंसानी दिमाग में एक दिन में 60 से 70 हजार विचार आते हैं, और इन सभी विचारों को हटाकर उस एक चीज पे ध्यान केंद्रित करने को ही फोकस कहते हैं। अगर आप ये 3 चीज 21 दिन तक लगातार कर लेते हो तो आपके लिए कुछ भी याद करना, पढ़ना सब आसान हो जाएगा। और ये सभी होगा कैसे? छोटे छोटे एक्शंस लेने से। आपने कई बार ये सुना होगा कि बड़ी सक्सेस पानी है तो एक्शंस भी बड़े बड़े लेने होंगे। ये बात काफी हद तक सही भी है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर बड़ी जीत चाहिए तो उसके लिए एक्शंस तो छोटे लेने होंगे, लेकिन लगातार लेने होंगे। और ये लगातार का काम हर कोई नहीं कर सकता, और जो भी ये लगातार का काम कर लिया उसके लिए सक्सेस दूर नहीं है। सो मैं आशा करता हूँ कि आप 21 दिन का ये चैलेंज जरूर लेंगे, अपनी हैबिट में, अपनी पर्सनैलिटी में, अपने स्टडी करने के तरीकों में चेंजेस जरूर लाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।